तो हेलो पोकेमोन गेमर्स। तो यहाँ पे नया स्वीट जायगोल नाम का नया इवेंट आया है जिसमें विजन पोकेमोन मिल रहा है, तो मैं वो निकालूंगा क्योंकि मेरे पास वो नहीं है। तो मेरे पास क्या वो स्पिन मारने वाला टोकन भी है बुक, जो मेरे पास अभी 30 है, तो मैं उसे जल्दी से परचेस कर लेता हूँ, जल्दी से मैं स्पिन मारता हूँ। मेरे पास आरडी भी बहुत सारा है, तो मैं आरडी से भी स्पिन मार सकता हूँ। उससे पहले गाइस मैं इवेंट देख लेता हूँ क्या आया है इसमें। तो मैं अभी अभी गेम खेल रहा हूँ, तो देख लेता हूँ इसमें क्या मिल रहा है। इसमें तो ये थीम क्रिस्टल से निकलता है, तो यहाँ और इसमें कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं। इसमें जो इसके पास ज़्यादा पैसा है तो उसी को अच्छा खासा मिल सकता है, तो हमारे पास तो ज़्यादा रुपया है नहीं, फ्री में ही मारेंगे हम लोग अपना स्पिन। और यहाँ पे हम लोग इसको नीचे वाला परचेस कर सकते, ऊपर के लिए पैसा चाहिए, पैसे से ये मिलेगा जो हमारे पास है नहीं। तो मैं जल्दी से टोकन परचेस कर लेता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे 35 है, तो मैं 35 परचेस करूँगा, तो मैं परचेस कर लेता हूँ। और मेरे यहाँ पे अच्छा खासा आरडी भी जाएगा, मेरे पास 6000 आरडी होने वाला है। और गाइस यहाँ पे मैं क्रिस्टल वाला नहीं, तो मैं हेल्ड आइटम वाला बॉक्स खोलूँगा, क्योंकि हेल्ड आइटम अपग्रेड करूँगा मैं सारे पोकेमोन का, मेरे पोकेमोन भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। और मैं जल्दी से इन बुक्स को परचेस कर लूँ। मैं इन्हें टोकन बोलूँ कि बुक्स बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आता, ये बुक जैसा दिखता है इसलिए मैं इसे बुक बोलता हूँ। तो मैंने बुक परचेस कर लिया और मैं जाता हूँ स्पिन मारता हूँ मेगा सर्च में। तो मेरे यहाँ पे 35 बुक परचेस के लिए, और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा तो लग ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा जल्दी पोकेमोन ये निकल जाएगा, कम स्पिन भी मारना पड़ेगा। तो मैं पहले 5 नॉर्मल मारूँगा, तो क्या पता उसमें निकल जाए, और बाकी का 30 बचेगा तो मैं 10 का 3 स्पिन मारूँगा। मेरे को लग नहीं रहा है कि निकलेगा, क्योंकि ऐसे यहाँ 10 स्पिन कम पड़ेगा, 10 नहीं 5 ही आता है, हाँ 10 ही स्पिन कम पड़ेगा। लेकिन गाइस मेरे पास आरडी है, तो मैं आरडी से निकालूँगा। तो यहाँ पे 3 स्पिन और मरना है, और यहाँ पे ब्लेजी कैट निकला है, और दूसरे स्पिन में क्या निकला है, और यहाँ पे 40,000 निकला है, और ये आखिरी स्पिन है। इसके बाद मैं 10-10 का मारूँगा, निकलेगा निकलेगा, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। तो मैं अब 10-10 का मारूँगा, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पता पहले स्पिन में निकल जाए, तो मैं जल्दी से 10 का मारता हूँ, और मैंने मार दिया। मैं थोड़ी देर वेट करूँगा, और यहाँ पर मेरा 10 स्पिन में ही बुइजल निकल चुका है। मेरे को क्या 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 नाम है, लेकिन मैं इसे तो बुइजल ही बोलता हूँ। तो यहाँ पे मेरा बुइजल निकल चुका है पहले स्पिन में ही, और 5 स्पिन को अगर हटा दूँ तो, अगर 10 का मैंने मारा तो 10 का पहले स्पिन में ही मेरा ये बुइजल निकल गया था। तो मैं देखता हूँ क्या नाम है इस बुइजल का। बुइजल नाम है यहाँ पे ब्लूज होल नाम है इसका। तो मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत, कमेंट करके बता देना आप लोग। तो यहाँ पे कुछ और निकला है क्या, तो और कुछ नहीं निकला है। तो मेरे पास अभी 20 स्पिन और है, तो मैं उसको भी मारता हूँ, देखता हूँ उसमें क्या निकलता है। तो फिर से मैं 10 का समन करता हूँ, क्या पता ये तो निकलेगा नहीं, ये तो निकल चुका है। तो यहाँ पता क्या कोई SP और दूसरा निकल जाए, या कोई डिपोई निकल जाए, यहाँ पे टापू ब्लू निकल गया है, और क्या निकला है, और यहाँ पे बस टापू ब्लू निकला है, और लेवल मैक्स SP डिप्टो निकला है, ये भी मेरा बहुत अच्छा खासा CP बढ़ा देगा। तो मैं दूसरा स्पिन भी करूँगा 10 का, तो आखिरी स्पिन है, तो मैं देखता हूँ इसमें क्या निकलेगा। और यहाँ पे कुछ नहीं निकला है लगता है, तो जल्दी से मैं स्किप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या निकले है, और यहाँ पे इसमें ग्लोमी निकला है SP, तो मेरी ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं इसे यूज़ में नहीं करता हूँ ज़्यादातर। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।